तो दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी। और आज हम लोग GS के क्लास 3 देने जा रहे हैं, ठीक है। GS के क्लास 1 में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि पार्ट ऑफ सीप, ठीक है, सीप के पार्ट के बारे में मैंने बताया था। और GS के फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने आपको टाइप ऑफ डेक बताया था, पार्ट ऑफ डेक। और आज GS के 3 क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सीप, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीप। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सीप, SHIP, सीप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सीप सीप जो होता है, सीप का सिनोनिम क्या होता है? तो सीप को आप वेसल भी बोल सकते हैं, वेसल। उसके साथ इसको आप बोट भी बोल सकते हैं, और बोट के साथ साथ आप इसको कैरियर भी बोल सकते हैं, कैरियर, ठीक है। तो ये सीप का 3 नाम होता है, ठीक है। सीप हुआ, वेसल हुआ, बोट हुआ और कैरियर हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं टाइप ऑफ सीप बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है, मेरे चैनल का नाम है सेलर अंसारी। और अगर आपको GP रेटिंग से रिलेटेड या मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं GSK का जैसा ही पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं MEK का शुरू करूँगा, सिर्फ GP रेटिंग के लिए। ये आप लॉकडाउन में घर पर फंसे हुए हैं तो ये प्रिपरेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने मेरा GSK पार्ट 1 और GSK पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीप क्या है, सीप और सीप का टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सीप का डिफिनेशन हम कैसे देंगे। तो सीप इज़ ए पावर ड्रिवेन वेसल प्रोपेलेट बाई मशीनरी। सीप क्या होता है? तो सीप एक पावर ड्रिवेन वेसल होता है जो मशीन के द्वारा ऑपरेट होता है, ठीक है। तो आप सीप का, अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज अ सीप, तो सीप इज़ पावर ड्रिवेन वेसल प्रोपेलेट बाई मशीनरी, ठीक है। तो फिर से मैं सीप का डिफिनेशन बताता हूँ, तो सीप इज़ अ पावर ड्रिवेन वेसल प्रोपेलेट बाई मशीनरी। अब देखिए, टाइप ऑफ सीप, जो सीप होता है मेनली 2 टाइप का होता है, ठीक है। टाइप ऑफ सीप, सीप जो होता है मेनली 2 टाइप का होता है, ध्यान से देखिएगा। सीप का 2 टाइप होता है, 2 टाइप का सीप होता है, ठीक है। एक होता है पैसेंजर सीप, पैसेंजर सीप, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कार्गो सीप। ध्यान से देखिए, सीप 2 टाइप का होता है, एक पैसेंजर सीप होता है, कार्गो सीप होता है। पैसेंजर सीप वैसा होता है जिसमें आदमी घूमने के लिए अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, या वैसा सीप जिसमें पैसेंजर को कैरी किया जाता है उसे पैसेंजर सीप कहा जाता है। तो व्हाट इज पैसेंजर सीप, तो विच सीप इज ओनली कैरिड द पैसेंजर इज कॉल्ड पैसेंजर सीप। व्हाट इज कार्गो सीप, कार्गो सीप इज द टाइप ऑफ सीप विन बी कैरिड ऑफ कार्गो, ठीक है। पैसेंजर सीप वो होता है जिसमें आदमी को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाया जाता है, उसे पैसेंजर सीप कहा जाता है। और कार्गो सीप वह सीप होता है जिसमें कार्गो को, यानी सामान को, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो हम लोग पढ़ लिए पैसेंजर सीप और कार्गो सीप। तो देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ सीप, पैसेंजर सीप, कार्गो सीप। पैसेंजर सीप क्या है? तो विच पैसेंजर सीप इज द टाइप ऑफ सीप विच कैन कैरी ओनली पैसेंजर। कार्गो सीप, कार्गो सीप इज द टाइप ऑफ सीप विच कैन बी कैरिड कार्गो ऑन ए शिप, ठीक है। तो पैसेंजर सीप, कार्गो सीप हो गया। तो देखिए, ये इसका बस यहीं पर सीमित रह जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, जो पैसेंजर सीप भी होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। क्रूज सीप होता है, और आपका एक क्रूज लाइनर होता है, ठीक है। क्रूज लाइनर बोलिए या क्रूज सीप बोलिए, और दूसरा का जो होता है वो फेरी होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो फेरी होता है। तो जो क्रूज लाइनर होता है वो सिर्फ क्या होता है, तो आदमियों को लेकर जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जो फेरी होता है वो आदमी को भी लेकर जाता है, उसके साथ साथ जो उसमें मारुति हो गया, जीप हो गया, वो सब भी लेकर जाता है। तो पैसेंजर सीप भी 2 प्रकार का हो जाता है, एक क्रूज लाइनर हो जाता है और एक फेरी हो जाता है। तो ये आप सिर्फ आप पैसेंजर याद रखेंगे तो आपको हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के बाद ये यहीं तक सीमित रह जाता है पैसेंजर सीप, लेकिन कार्गो सीप का डिवाइड होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कार्गो सीप का डिवाइड होता है और कौन कौन से कार्गो सीप होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कार्गो सीप को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है और पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो ये मैं आपको लिख दिया कार्गो सीप, कार्गो सीप, कार्गो सीप का देखिए क्या होता है। कार्गो सीप का ब्रांच होता है, ठीक है। कार्गो सीप कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ कार्गो सीप। तो देखिए, टाइप ऑफ कार्गो सीप देखिए क्या होता है, ड्राई कार्गो सीप,
लिक्विड कार्गो शिप, गैस कैरियर। देखिए ये जो कार्गो शिप होता है वो तीन टाइप का होता है, एक ड्राई कार्गो शिप होता है, एक लिक्विड कार्गो शिप होता है और एक गैस कैरियर होता है। गैस का गैस शिप भी इसको बोल सकते हैं या गैस बोर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन कैरियर बोलने से हमको अच्छा लगता है। तो ड्राई कार्गो शिप, लिक्विड कार्गो शिप और गैस कैरियर, ठीक है। तो ये कार्गो शिप आपका मेनली क्या होता है, तो दो टाइप का होता है, एक आपका हो गया ड्राई कार्गो शिप, लिक्विड कार्गो शिप और गैस कैरियर। तो अब देखिए अब इसमें भी क्या होता है, तो ये जो आपका कार्गो शिप जो हो गया, वो कार्गो शिप के अलावा इसमें भी इसका पार्ट होता है। पहले तो मैंने शिप को दो भागों में बांटा, एक पैसेंजर शिप एक कार्गो शिप। कार्गो शिप तीन प्रकार का हो गया, ड्राई कार्गो शिप, लिक्विड कार्गो शिप, गैस कैरियर। अब देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, ड्राई कार्गो शिप जो होता है वो सूखी वस्तुओं को लेकर जाता है, जो भी टैंक में या जो भी कार्गो होल्ड में सामान जाएगा वो सब सूखा आइटम जाएगा, उसको बोलते हैं ड्राई कार्गो शिप। लिक्विड कार्गो शिप में जो होता है, कोई भी चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में जाता है यानी तरल पदार्थ में जाता है तो उसे लिक्विड कार्गो शिप बोलते हैं। गैस कैरियर में जो पदार्थ गैसीय पदार्थ में जाता है उसे गैस कार्गो शिप बोलते हैं, जैसे LPG हो गया, LNG हो गया, गैस हो गया, तो ये होता है। तो अब देखिए अब लाइन बाई लाइन हम लोग इसका भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसका भी डिफाइन लाइन बाई लाइन करता हूँ। जो ड्राई कार्गो शिप है वो कितने टाइप का होता है, तो ये देखिए ड्राई कार्गो शिप जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मैं डिफाइन करता हूँ। तो ड्राई कार्गो शिप का डिफाइन मैं यहाँ से आपको करता हूँ, ध्यान से देखिए। ड्राई कार्गो शिप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ कि आपको अच्छा से दिखाई दे। ड्राई कार्गो शिप हो गया एक नंबर में, देखिए जनरल कार्गो शिप, दो नंबर में आपका लेते हैं बल्क कैरियर, बल्क कैरियर, लॉग कैरियर, ये इसको बोलते हैं टिम्बर कैरियर। सब मैं बताऊंगा कि ये सब क्या होता है, आप खाली थोड़ा सा वेट कीजिए, आप फटाफट मेरे साथ भी लिख लीजिए। जनरल कार्गो शिप, बल्क कैरियर, लॉग कैरियर, उसके बाद कैटल कैरियर, कैटल कैरियर, इसको लाइव कैरियर भी बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है रोरो शिप का दूसरा नाम होता है, रोरो का फुल फॉर्म होता है रोल ऑन रोल ऑफ। उसके बाद ये आपका हो गया रोरो शिप हो गया, ड्राई केटल। उसके बाद और इसका मैं आपको टाइप बता देना चाहता हूँ कि ये हो गया, अब आपका हो गया रीफर शिप। उसके बाद हैवी लिफ्टिंग शिप, हैवी लिफ्टिंग शिप, और भी इसका बहुत सारा टाइप है, तो जितना मेरे को याद आता है मैं आपको बता देता हूँ। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको छोड़ दिया, कंटेनर शिप। तो चलिए ये मैंने आपके सामने इतना शिप का डिटेल आपको दे दिया, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, फटाफट इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट करने से आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी क्योंकि मैं इसको आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब लो मैं इसका डिफिनेशन बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सब समझाऊंगा कि किस में क्या जाता है। जो फर्स्ट है जनरल कार्गो शिप, जनरल कार्गो शिप में जो क्या होता है उसमें कार्गो होल्ड होता है, ठीक है, मेन डेक में कार्गो होल्ड होता है। और कार्गो होल्ड में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे गेहूँ हो गया, आटा हो गया, कोयला हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, उस सब को आपको भर भर के क्या कहता है, तो कार्गो होल्ड में डाला जाता है। जैसे गेहूं हो गया, जैसे इसको वेट बोलते हैं, राइस हो गया, ये सब को बोरा में डाल डाल के, सीमेंट हो गया, इसको बोरा में डाल डाल के जब कार्गो होल्ड में रखा जाता है तो उसे जनरल कार्गो शिप कहा जाता है।
बल्क कैरियर, बल्क का अर्थ है विच क्वांटिटी, माने जिसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि अब कार्गो होल्ड हो गया, कार्गो होल्ड में अगर हम बोरा में रख कर गेहूं को कार्गो होल्ड में डालते हैं तो वो जनरल कार्गो शिप हो जाता है, लेकिन अगर उसको डायरेक्ट जैसे शुगर हो गया या वेट हो गया, राइस हो गया, उसको डायरेक्ट कार्गो होल्ड में विदाउट बैग के रखा जाता है तो उसे बल्क कैरियर कहा जाता है। तो देखिए जनरल कार्गो शिप और बल्क कैरियर में अंतर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बस इसमें यही अंतर होता है कि जनरल कार्गो शिप में कोई सामान को पैकिंग करके डाला जाता है और बल्क कैरियर में किसी सामान को डायरेक्ट डाला जाता है। जैसे आटा डालना होगा तो डायरेक्ट बल्क मैंने कार्गो होल्ड में डाल देता है, और जनरल कार्गो शिप में जो कार्गो होल्ड होता है वो हमेशा इवन नंबर में होता है। इवन नंबर का और जानते हैं क्या हुआ, जैसे जोड़ा में होगा दो होगा चार होगा छः होगा, लेकिन बल्क कैरियर में जो भी कार्गो होल्ड होता है वो जो होता है वो ओड नंबर में होता है, या तो तीन होगा या तो पाँच होगा या तो सात होगा, कभी भी जोड़ा में नहीं होता है। तो जनरल कार्गो शिप और बल्क कैरियर मैंने आपको समझा दिया। लॉग कैरियर या टिम्बर कैरियर, लॉग कैरियर का होता है कि वैसा शिप जो बड़े बड़े लकड़ी को लेकर जाता हो, जो लकड़ी को शिप लेकर जाता है उसे लॉग कैरियर या टिम्बर कैरियर कहा जाता है। केटल कैरियर या लाइव स्टॉक, इसको लाइव कैरियर भी बोलता है या केटल कैरियर बोलता है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें काऊ हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, आपको मैंने जो भी जैसे काऊ हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, शिप हो गया, ये सब को अगर उसमें किसी जानवर को लेकर जाए, जो कैरियर जो शिप किसी जानवर को लेकर जाता है उसे केटल कैरियर कहा जाता है। ठीक है, रोरो शिप इसको बोलते हैं, रोल ऑन रोल ऑफ। रोरो शिप में देखिए क्या होता है, जैसे रोरो शिप हुआ, ये क्या होता है कि इस शिप में बस हो गया, ट्रक हो गया, फोर व्हीलर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बाइक हो गया, ये बाइक को ट्रक को ट्रैक्टर को अपने में भर कर लेकर जाता है उसी को बोलते हैं रोरो शिप। तो रोरो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, रोरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोरो का फुल होता है रोल ऑन रोल ऑफ। उसके बाद आता है रिफर शिप, रिफर शिप में देखिए क्या होता है, रिफर शिप में फ्रोजन आइटम लेके जाता है, जैसे मान लीजिए कि फ्रूट हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया, माने इस शिप में क्या होता है, तो पूरा ये जो शिप होता है वो पूरा शिप ही क्या होता है, एक फ्रिज होता है, पूरा शिप में फ्रिज होता है, तो उसी में आपको मीट हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट आइटम हो गया, प्लांट हो गया, तो उस सब में लेके जाता है, उसको बोलते हैं रिफर शिप। उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है सात नंबर, उसको बोलते हैं हैवी लिफ्टिंग शिप। इसमें क्या होता है, तो हैवी हैवी मशीनरी के पार्ट पुर्जे, जैसे क्रेन हो गया, मशीन हो गया, वो सबको हैवी लिफ्टिंग शिप में लेके जाता है। कंटेनर शिप, कंटेनर शिप आप लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंटेनर होता है, कंटेनर उसमें लाद के लेके जाया था, उसको बोलते हैं कंटेनर शिप। तो मैंने आपको सब डिफाइन कर दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कंटेनर शिप में क्या, कंटेनर शिप का वैल्यू क्या है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कंटेनर शिप भी तीन टाइप का होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, कंटेनर शिप जो होता है इसको मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। कंटेनर शिप भी होता है वो तीन टाइप का होता है, ध्यान से आप इसको समझिएगा, कंटेनर शिप तीन टाइप का होता है। 20 इक्विवेलेंट यूनिट TEU, 40 इक्विवेलेंट यूनिट हाई क्यूबिक कंटेनर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि हाई क्यूबिक कंटेनर क्या होता है, 20 इक्विवेलेंट यूनिट क्या होता है, 40 इक्विवेलेंट यूनिट क्या होता है, ये कंटेनर का साइज हुआ। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है इस शिप का 20 इक्विवेलेंट यूनिट, 40 इक्विवेलेंट यूनिट हाई क्यूबिक कंटेनर जो होता है इसकी लेंथ कितनी होती है। अगर कोई शिप कंटेनर शिप 20 इक्विवेलेंट का हुआ तो उसका अर्थ हुआ उसका लेंथ, जो उसका लेंथ होगा वो 20 फीट होगा, और उसकी जो ब्रेथ यानी चौड़ाई होगी वो आपकी जो होगी वो 8 फीट होगी, 20 मीटर लंबा, 8 फीट चौड़ा, 20 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, और जो उसकी ऊंचाई होगी वो आपकी 8 फीट, यानी 20 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 8 फीट ऊंचा। ठीक है, 40 में क्या होता है, 20 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और नहीं ये मीटर ही होगा, सब मीटर है। ठीक है, ये मीटर मीटर, ठीक है, और ये भी हो गया 20 मीटर लंबा, 40 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और
इसमें देखिए क्या होता है, इसमें 8 मीटर लंबा, ठीक है, 8 मीटर लंबाई, यानी उसकी जो ऊंचाई होगी हाइट। हाई कॉबी कंटेनर में क्या होता है, इसमें 20 मीटर लंबा हो सकता है और 40 मीटर भी लंबा हो सकता है, लेकिन जो उसकी चौड़ाई होगी वो 8 मीटर होगी और जो उसकी ऊंचाई होगी वो 9 मीटर 6 फीट होगी, ठीक है, याद रखिएगा, यही इसमें अंतर है। तो जो कंटेनर शिप होता है, कंटेनर शिप 3 टाइप का होता है, एक होता है 20 इक्विवेलेंट यूनिट, एक होता है 40 इक्विवेलेंट यूनिट और एक होता है हाई क्यूबिक कंटेनर। जो कंटेनर शिप जिसकी लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर हो उसे बोलते हैं 20 इक्विवेलेंट यूनिट, और वैसा कंटेनर शिप जिसकी लंबाई 40 मीटर चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर होता है उसे हाई क्यूबिक कंटेनर कहते हैं, 40 इक्विवेलेंट यूनिट कहते हैं, और जो इसकी लंबाई 20 मीटर या लंबाई 20 मीटर या 40 मीटर चौड़ाई 8 मीटर लेकिन ऊंचाई 9 मीटर और 6 फीट हो उसे हाई क्यूबिक कंटेनर कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन में पूछता है, तो मैंने आपको कंटेनर शिप का भी पार्ट बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा फटाफट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप कंटेनर शिप में जाएंगे तो ये आपको जानना जरूरी है। अब मैंने आपको ड्राई कार्गो शिप के बारे में बता दिया, थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन आप टेंशन मत कीजिएगा। अब ड्राई कार्गो शिप के बाद हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड कार्गो शिप के बारे में। लिक्विड कार्गो शिप 4 प्रकार का होता है, ठीक से ध्यान से देखिएगा। लिक्विड कार्गो शिप जो होता है वो उसका 4 टाइप होता है। पहला जो आप होता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्रूड ऑयल कैरियर। दूसरा नंबर जो होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑयल कैरियर। उसके बाद जो तीसरा होता है केमिकल कैरियर। और जो लास्ट नंबर होता है 4, उसको बोलते हैं वाटर कैरियर। तो देखिए जो लिक्विड कार्गो शिप होता है वो भी आपको 4 टाइप का होता है, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रूड ऑयल कैरियर, प्रोडक्ट ऑयल कैरियर, केमिकल कैरियर और वाटर कैरियर। मैं इसका बताता हूँ, क्रूड ऑयल जो कैरियर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक VLCC होता है, VLCC, एक होता है ULCC। VLCC का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, यह होता है अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर। जो वर्ल्ड में पूरे शिप इंडस्ट्री में जो सबसे लंबी चौड़ी में जो सबसे बड़ी शिप होती है वो ULCC होती है, अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर। इसका GRT कम से कम 1.5 लाख 2 लाख का होता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल कैरियर जो होता है वो कच्चा तेल लेकर जाती है, वो 2 प्रकार की होती है, एक ये शिप की लेंथ हो गई, VLCC होगा वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, ये होता है अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर, ये 2 प्रकार की होती है। प्रोडक्ट ऑयल कैरियर जो होता है वो कोई भी तेल लेके जाती है, वो रिफाइनरी तेल लेके जाती है, माने उस तेल को पूरा रिफाइन करके जाता है, और ये क्रूड ऑयल कैरियर कच्चा तेल लेके जाता है। केमिकल कैरियर आप जानते हैं कि वो केमिकल चीज़ लेकर जाती है, केमिकल में कोई भी हो जाएगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, मैंडेनियम, कुछ भी लेके जा सकती है। वाटर कैरियर का अर्थ होगा कि जैसे मान लीजिए कि वो पानी लेके जाएगी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पानी लेके जाएगी, उसको बोलते हैं वाटर कैरियर। तो लिक्विड कार्गो शिप 3-4 प्रकार का हो गया, क्रूड ऑयल कैरियर, प्रोडक्ट ऑयल कैरियर, केमिकल कैरियर और वाटर कैरियर। क्रूड ऑयल कैरियर कच्चा तेल लेके जाती है, ये पक्का तेल रिफाइन तेल लेके जाती है, ये केमिकल लेकर जाता है और ये वाटर लेकर जाता है, ये 2 प्रकार का होता है, VLCC, ULCC का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, ULCC का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर। अब जो हम लोग का लास्ट जो बचा है वो हम लोग जान लेते हैं, तो जो हम लोग का लास्ट बचा है उसको बोलते हैं गैस कैरियर, ठीक है, उसके बाद हम लोग का सी का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो जो लास्ट हम लोग का है वो है गैस कैरियर। तो देखिए गैस कैरियर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक LPG होता है LPG कैरियर, और एक होता है LNG कैरियर। अब जाते हैं कि ये जो भी लिक्विड लेके जाता है वो गैस स्ट्रक्चर में लेके जाता है, गैस फॉर्म में लेके जाता है।
तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये होता है लिक्विडफाइड नेचुरल गैस। तो ये दोनों जो होता है ये लेके जाता है गैस कैरियर। तो मैंने सब आपको फिर से बताता हूँ कि सिप जो होता है, सिप इज ए पावर ड्रिवन वेसल प्रोपेल्ड बाय मशीनरी। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सिप, पैसेंजर सिप और कार्गो सिप। पैसेंजर सिप में क्रूज लाइनर होता है और फेरी होता है। कार्गो सिप भी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है जनरल, जो पहला सिप होता है ड्राई होता है, उसके बाद लिक्विड होता है, उसके बाद गैस कैरियर होता है। जो ड्राई कार्गो सिप होता है उसमें जनरल कार्गो सिप होता है, बल्क कैरियर होता है, लीव वेस्ट होता है, टिम्बर कैरियर होता है, वुड कैरियर होता है, रिफर सिप होता है, हैवी लिफ्टिंग सिप होता है, उसके बाद कंटेनर सिप होता है। उसके बाद अगर आप लोग आते हैं दूसरा टाइप में जिसको बोलते हैं लिक्विड कैरियर, तो लिक्विड कैरियर में चार टाइप होता है। एक क्रूड ऑयल कैरियर होता है, प्रोडक्ट ऑयल कैरियर होता है, उसके बाद आपका केमिकल कैरियर होता है, और उसके बाद वाटर कैरियर होता है। गैस कैरियर दो प्रकार का होता है, एलपीजी होता है, एलएनजी होता है। जिसमें एलपीजी भर के लेके जाता है उसे एलपीजी कैरियर कहते हैं, और दूसरा में एलएनजी लिक्विडफाइड नेचुरल गैस लेके जाता है। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।